Hey guys, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम लोग सीड्स से प्लांट को ग्रो करते हैं। और काफ़ी क्वेश्चन इसके बारे में मेरे पास आया था कि दीदी आप लोग गार्डन का टेक केयर कैसे करते हो, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ सीड है, जैसे लौकी है, बैंगन है, टमाटर है, क्यूकम्बर है, भिंडी, कैप्सिकम, सारा कुछ वेजिटेबल ही आप यहाँ पे देखोगे, कुछ वेजिटेबल का सीड जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने किया है कि थोड़ा बहुत सीड लेंगे, क्योंकि सारा सीड ना प्लांट होके नहीं निकलता है, कुछ कुछ निकलता है, कभी कभी सारा ही निकलते हैं, तो इसीलिए हम लोग को भी श्योर नहीं होते कि कितना प्लांट फाइनली आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भिंडी, जैसे हम लोगों ने इतना सारा भिंडी का सीड पूरा डाल दिया है, और अभी हम लोग लौकी लगा रहे हैं, तो लौकी का सीड भी हम लोगों ने डाल दिया है। और अभी हम लोगों ने ना छोटे छोटे पॉट लिए हैं, ताकि प्लांट ना निकल के आए, उसके बाद हम लोग इसको रिपॉटिंग करेंगे। तो सीड डालने के बाद ऊपर से एक मिट्टी का हल्का सा एक लेयर हम लोग बिछा देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर से हम लोग ना मिट्टी डाल रहे हैं, ताकि सीड जो है मिट्टी के अंदर चला जाए। और इससे ज़्यादा पॉट, बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि अभी ये जो थोड़ा बहुत जो प्लांट निकल के आएगा, उसके बाद हम लोग इसको रिपॉटिंग करेंगे। और अब पानी जो है ना, इस तरह से स्प्रे करके आपको देना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है, तो इस तरह से हाथ में पानी लेके थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी के ऊपर डालिए। ज़्यादा मतलब पानी जाएगा ना, तो वो सीड के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से एवरीडे सुबह हम लोग प्लांट्स में पानी दे रहे हैं, मतलब प्लांट्स तो अभी निकल के आया नहीं है, मिट्टी के ऊपर पानी देंगे। और सेम प्रोसेस में स्प्रे करके पानी देना है, नहीं तो हाथ में डाल के पानी देना है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे प्लांट जो है निकल के आ गया है, मतलब बहुत ही बड़ा हो गया ना। तो अभी इसको रिपॉटिंग करना है, और ये मतलब प्लांट होने में हम लोगों को 3 हफ्ते टाइम लगे। 3 हफ्ते के अंदर आप देख सकते हो प्लांट्स जो है बहुत ही बड़ा हो गया है। और जैसे कि मैंने पहले शेयर किया था कि सारे प्लांट्स नहीं निकलते हैं, कुछ कुछ निकलते हैं, तो बाकी जितने भी प्लांट्स हमने डाले थे ना, सारा प्लांट ही निकल के आया है। बस लौकी जो है वो 3 ही प्लांट बाहर आया है, तो वही 3 प्लांट हम लोग रिपॉटिंग करेंगे, और बाकी सारे जितने भी प्लांट है उसको अभी बड़े गमले पे रिपॉटिंग करना है। और यहाँ पे अतनु मिट्टी को रेडी कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे आपको रेडीमेड मिट्टी मिल जाएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, घर पे मिट्टी को बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये कोकोपीट, 2 ऑर्डर किया था। तो इसको इस तरह से पानी में डालेंगे, पहले इसको ना पानी डाल के एकदम से मिट्टी के जैसा बना लेंगे, और उसके बाद मिट्टी के साथ इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेज़रमेंट करने के लिए ये एक बकेट ले लिया है, तो इसमें एक बकेट हम लोग वो कोकोपीट ऐड करेंगे, और एक बकेट हम लोग मिट्टी ऐड करेंगे। ये जो मिट्टी है ये नॉर्मल मिट्टी है, और उसके साथ हम लोग कॉम्पोस्ट ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने 1/2 बकेट कॉम्पोस्ट लिया है, तो यही मेज़रमेंट रहेगा मिट्टी को रेडी करने के लिए। इस तरह से क्वांटिटी के साथ मैच करके आप इससे ज़्यादा भी एक साथ में बना सकते हो। तो हमारे पास इससे ज़्यादा बड़ा मतलब पॉट नहीं था मिट्टी बनाने के लिए, तो इसी मेज़रमेंट से हम लोगों ने बनाया है, और इसी मिट्टी से हम लोग प्लांट्स को लगाएंगे। और वेजिटेबल लगाने के लिए हम लोगों ने जो पॉट यूज़ किया है ये 14 साइज का है, और नीचे का जो होल आप देख रहे हो ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको कवर करना पड़ता है, ताकि मिट्टी पानी के साथ बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है दिया, जो दिया हम लोग एक बार यूज़ करते हैं, वो दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, बट ये काम के लिए मैं रख देती हूँ। इसको तोड़ के ना इस तरह से नीचे डालना मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास नहीं है तो छोटे छोटे जो स्टोन होता है वो भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें मिट्टी डाल दिया है, अभी हम लोग इसमें प्लांट को लगाएंगे। और ये लौकी है, तो लौकी का 3 ही प्लांट हुआ है, एक ही पॉट में हम लोग इसको लगाएंगे।
है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर का भी बहुत सारा प्लांट निकला हुआ है, बट एक पॉट में हम लोगों को 3 ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वही 2 पॉट इसके लिए हम लोगों को चाहिए। और ये दो जो है ना, ये क्लाइंबर ट्री है, क्यूकम्बर और लौकी। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 स्टिक लगाए हैं, और लौकी को जो है थ्रेड के मदद से ना ग्रिल में हम लोगों ने इसको बांध दिया है, ताकि ये ऊपर चढ़ने में उसको हेल्प हो। तो ये 2 प्लांट हम लोगों ने इस साइड में रखा है, और लौकी जो है ना वो बहुत जल्दी बड़ा होता है। तो क्यूकम्बर तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, बट लौकी बहुत बड़ा हो गया है, और उसका भी अच्छा खासा लीफ भी आया है। लौकी प्लांट देख के ना हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि लौकी को गार्डन में लगाना हम लोगों का एक सपना ही था, स्टार्टिंग से हम लोग सोचते थे। और ये क्यूकम्बर है, इसमें भी फ्लावर आया हुआ है, और सारे जितने भी बाकी का प्लांट आप देख रहे हो, ये अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। ये 2 प्लांट थोड़ा ज़्यादा ही मतलब जल्दी बड़ा हो रहा है। ये है पहला फ्लावर। अतनुर सोकेर लाओ गाच साधे लाओ फ्लावर आया, कैसा लग रहा है? मस्त, मेहनत का फल। ये मेहनत का फल है, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत तो अतनु ने किया है। मतलब मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन रहता कि आज राइस का जो वाटर होता है ना, मार जिसको बोलते हैं फैन, वो रख दो, आज ये करो वो करो, पता नहीं कब उसने गोबर ऑर्डर किया, क्या क्या कर रहे थे। हाँ इधर भी, ये पहला नहीं है बट इससे पहले भी हुआ है ना। ये है क्यूकम्बर का, ये अलग से तीनों को। भिंडी हो रहा है, भिंडी में फ्लावर हो रहा है क्या? फ्लावर नहीं, भिंडी हो रहा है। अतनु रोज आके गिनता है अपने अतनु का साधे लाओ। और आएगा बैंगन होगा तब मजा आएगा। अभी अतनु हर दिन आके देखते रहता है कि बैंगन आया कि नहीं, टमाटर आया कि नहीं, चिली आया कि नहीं। और मैं हर दिन वेट करती थी कि मैं कब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अतनु मुझे हर दिन बोलता है अभी रुको अभी भी टाइम है। और फाइनली ना लौकी का जो फ्लावर है, उससे छोटा छोटा लौकी जो होता है ना, वो भी आना स्टार्ट हो गया है। बट मुझे ना लौकी का ये जो स्टेम होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है, मैंने अतनु को बोला है कि लौकी हो चाहे ना हो, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम लोग खा सकते हैं। और साथ में ये है कैप्सिकम, जो कि सबसे पहला और सबसे बड़ा फ्रूट फ्रूट नहीं सॉरी वेजिटेबल है, जो कि सबसे पहले आया हुआ है। और इसमें ना 4-5 कैप्सिकम इस प्लांट में है, तीनों प्लांट में ना कैप्सिकम है। सो अभी हम लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, 12:30 बज रहा है, और आज मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग कर लिया है, क्योंकि सारा प्लांट जो है उसको रिपोर्टिंग करने वाले थे, जैसा कि मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया है। अतनु भी रेडी है, एकदम रेडी हो गया है, एकदम काम तो पे लगना है अभी। चलिए कर लेते हैं, नहीं तो खाने का टाइम हो जाएगा। तो 1-1.5 घंटा जितना भी है कर लेते हैं अगर। चलिए
मतलब बस्ते में रहता है 25 kg। हाँ 25 kg का है, 25 kg का है और ये रेडी मिक्स है। इसमें कॉम्पोस्ट, फिर आपका कोकोपीट और फर्टिलाइजर वगैरह सब मिक्स किया हुआ है। हाँ। तो आपका ये रेडी सॉइल है 25 kg 200 रुपये में। हाँ। ये बहुत सस्ता पड़ता है, इससे बहुत ज्यादा महंगा है। ये एकदम रेडी मिक्स है, कोकोपीट वगैरह सब कुछ मिक्स किया हुआ, कोकोपीट कंपोस्ट गार्डन सॉइल मिक्स किया हुआ है। अब इसको थोड़ा हम लोग इससे फ्रेश कर देंगे, क्योंकि ये नीचे में अगर नहीं करेंगे नीचे खाली रह जाएगा, तो जैसे पानी डालेंगे वो मिट्टी पूरा नीचे धस जाएगा तो फिर वो ढीला हो जाएगा। तो थोड़ा हाथ से प्रेस कर देंगे ना तो ये मिट्टी, ये इसका जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगा। और कृति अपनी रोज प्लांट लगाने के लिए आ गई है। बहुत भारी है। इतना भारी है क्या? हाँ, इतना भारी है। इतना भारी है? हाँ। नो माटी दब। कृति उसके पापा का हेल्पर है या उसके पापा कृति का हेल्पर है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पापा कृति का हेल्पर हेल्पर के ऊपर हेल्पर ही करना पड़ रहा है ना। कृति ने सब क्यूट क्यूट पॉट को चूज किया है प्लांटर लगाने के, प्लांट लगाने के। यहाँ भी देखो। तो फाइनली अभी शाम हो चुका है, 6:30 के करीब हो रहा है। हाँ, अभी फिलहाल कंप्लीट हुआ पूरा काम। हाँ, और ये है सारे प्लांट्स जो रिपोर्टिंग किया गया है, और ये दो ना कृति ने किया है। हाँ, कृति ने बहुत सारा किया, देखो ये वाला किया है। हाँ, ये चिली प्लांट, ये चिली प्लांट है, और ये दो टाइम प्लांट है, टाइम फ्लावर्स। ये वाला भी दे दो एक, ये क्यूट है। और ये एक नहीं मिला, तीन था तो तीन ही हम लोगों ने दे दिया है, इसमें मिसिंग है, बाद में कर देंगे। ठीक है, तो ये सीरीज पता नहीं, इसका नाम हम लोग सर्च करके बता देंगे वो। हाँ। जब वीडियो के नीचे में आ जाएगा आप लोग का। ये वाला येलो तो वो ही पहले भी हमारे घर में है ऑलरेडी। हाँ, ये वाला येलो फ्लावर ना पहले हमारे घर पे है, और ये व्हाइट वाला ना सेम येलो जैसा व्हाइट कलर का फ्लावर देता है, लेकिन ली वाला डिफरेंट है, सेम नहीं है। हम लोगों ने सेम सोच के खरीदा था, बट इसका भी नाम मैं सर्च करके नीचे डाल दूंगी। ओके, और ये है कृति का रोज प्लांट। हाँ। जो कृति ने लगाया है, अभी इसका टेक केयर कृति को करना है। हाँ। और ये है सदाबहार, सदाबहार हमने दो है। लिया है। हाँ। ये एक और ये एक, और उसके बाद ये है, इसको ना हम लोग बंगाली में कागज फूल बोलते हैं ना। हाँ। अभी ना हम लोगों ने इसको छोटे पॉट में रिपोर्टिंग की है, जब ये बड़ा होगा तो पॉट को चेंज कर देंगे इसको। और ये एक है, ये भी इंडोर प्लांट नहीं, ये इंडोर प्लांट। हाँ, इंडोर प्लांट, तीनों इंडोर प्लांट है ये। हाँ। ये तीनों इंडोर प्लांट है, तो ये सब का नाम हम लोग को नहीं पता है, पर सर्च करके बता। ये तो मेरे बालकनी में पहले भी था, वो ऑरेंज कलर का था, अभी ये मैंने पिंक कलर का लिया है क्योंकि ऑरेंज कलर का नहीं था। एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला ना कि इस बार हम लोगों को अच्छा खासा कुछ मिला नहीं, और ये दो प्लांट नया मिला हम लोगों को। हाँ, ये दो प्लांट नया मिला, ये इसका नाम नहीं पता हम लोगों को, पर ये भी इंडोर प्लांट, इंडोर प्लांट है। और ये एक है व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, जैस्मिन है, जैस्मिन है। हाँ, जैस्मिन ही तो जेट प्लांट है, ये जेट प्लांट है। इसको हम लोगों ने रिपोर्टिंग नहीं किया है, ये एक्चुअली हैंग करने वाला है, तो हम लोग हाँ इसको हैंग ही करेंगे, बाद में चेंज करेंगे, अभी तो फिलहाल ये ऐसा ही रहेगा। अभी ये सारे प्लांट को ना अपनी अपनी जगह पे रखना है। चलो स्टार्ट हो जाते हैं, अभी शाम हो गया है, मुझे दिया भी करना है, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करना है, और बाहर बारिश हो रही है, बैंगलोर पे बारिश हो रही है, ये।
ओके दोस्तों, तो चलिए आज का ये जो व्लॉग है इसको मैं पेंट करती हूँ। और बहुत दिनों से मेरा मन था आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करने के लिए, तो फाइनली मैंने शेयर किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और सुबह मतलब सुबह नहीं, आफ्टरनून 12 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 12:30 को, और उसके बाद अभी टाइम हुआ है 6:30, तो पूरा दिन आप बोल सकते हो हमारा इस काम पर लग गया है। और फाइनली ये हो गया है। कुछ भी काम जब हम लोग कंप्लीट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं ही पेंट करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।